वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। सो लेट्स डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिसंबर 2021। एंड यस, दीज आर द करंट अफेयर्स एंड आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यस, कल आईबीपीएस पीओ मेंस की डेट आई है 22nd of January। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द करंट अफेयर्स, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनरल अवेयरनेस क्रैक करना। तो मैंने अभी बहुत सारे मेंस एग्जाम देखी हूँ, तो आज का जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो हिसाब से करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बी बैंक एस्पायरेंट BBA। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। तो इसका सही जवाब है संबित पात्रा। संबित पात्रा, गाइस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ITDC के नए चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है, वो है संबित पात्रा। इनके जो चेयरमैन है वो है संबित पात्रा। नेक्स्ट, विच स्पोर्ट पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गूबी। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है स्मृति मंदना। सो गाइस, शी इज अ इंडियन क्रिकेट प्लेयर, वुमेन क्रिकेट प्लेयर। और ये जो गूबी है ये एक स्टार्टअप है, एडटेक स्टार्टअप। तो इसको जो बनाया गया है वो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। IIT मद्रास ने ये गूबी ऐप बना दिया है। गूबी इज एन इंडियाज फर्स्ट वर्नाक्युलर एडटेक स्टार्टअप, एम टू स्ट्रेंथन द इम्पोर्टेंस एंड द स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, एंड शी विल क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन अमंग एवरीवन, स्पेशली अमंग वुमेन। तो गोवी के जो ब्रांड एम्बेसडर है शी इज द स्मृति मंदना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज ऑफ अथॉरिटी इंडिया। सो ही इज अ संजय बंडोपाध्याय। सो संजय बंडोपाध्याय, ही इज अ एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, has been named as a chairman. So he is already additional secretary and minister of ports and shipping and waterways. So now he has been named as a inland waterways authority of India, Sanjay Bandopadhyay. Okay, so next, this is an important question guys, let me tell you. Who has been appointed as the first deputy managing director of International Monetary Fund? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के लिए फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका नाम है गीता गोपीनाथ। सो मैं बता दूं गाइस, ऑलरेडी गीता गोपीनाथ ने IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए 3 साल काम किया गया है उनके पास। तो अभी नाउ शी इज अ डेप्यूटी MD ऑफ IMF। UNESCO, who has been appointed as a UNESCO goodwill ambassador for cultural and creative industries? तो इसका आंसर है नवामी कवासे। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइज। सो यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के नए एम्बेसडर कौन है? नवामी कवासे। ओके, सो नेक्स्ट, Who has been elected as a president of International Criminal Police Organization? International Criminal Police Organization, which can call as a Interpol. Interpol के लिए नए president कौन चुने गए हैं? So he is Major General Dr. Ahmed Nasser Al Raisi. Major General Dr. Ahmed Nasser Al Raisi. Already he is the Inspector General of the UAE Ministry of Interior. So
ऑलरेडी ये यूएई के दुबई के मिनिस्ट्री ऑफ इंटर के इंस्पेक्टर है. नाउ ही इज द इंटरपोल के प्रेसिडेंट. तो इंटरपोल के प्रेसिडेंट कौन है? मेजर डॉक्टर अहमद नासिर अल रैसी. नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. तो इनके जो चेयरमैन है, सो ही इज अ प्रदीप शाह. प्रदीप शाह, प्रदीप शाह नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन है. आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एमडी. संजय जैन विल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी. तो आदित्य बिरला के जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन के जो एमडी थे संजय जैन, नाउ वो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी के. और दिवाकर गुप्ता जो है फॉर्मर एमडी थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ही इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ आईडीआरसीएल, इंडियन डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रेजोल्यूशन कंपनी, सॉरी रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड. तो प्रदीप शाह जो है वो एनएआरसीएल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन चुने गए हैं, प्रदीप शाह. और आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो संजय जैन एमडी थे, नाउ ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी. नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज, सॉरी इज मिसिंग हियर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिज्नी बाइजू अर्ली लर्निंग ऐप? तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा एंड पीवी सिंधु. नीरज चोपड़ा एंड पीवी सिंधु. नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल लेके आए थे. नीरज चोपड़ा बेसिकली ही इज फ्रॉम आर्मी एंड यस ही गॉट ही वन गोल्ड मेडल. एंड पीवी सिंधु शी इज अ बैडमिंटन प्लेयर. ओके, सो बाइजू के जो लर्निंग सॉरी सॉरी बाइजू अर्ली लर्निंग ऐप जो था उसका ब्रांड एम्बेसडर पहले शाहरुख खान थे, नाउ नीरज चोपड़ा एंड पीवी सिंधु चुने गए हैं. नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करते हैं, तो यूनिसेफ का भी जो नया हेड कौन है? कैथरीन रसल. कैथरीन रसल. यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स. तो यूएन सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गटर्स. हैज अपॉइंटेड कैथरीन रसल एज अ हेड ऑफ यूएन चिल्ड्रन एजेंसी यूनिसेफ, ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. नेक्स्ट, हु हैज बीन टॉप्ड फॉर्च्यून इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया लिस्ट 2021? तो कौन है जो फॉर्च्यून इंडिया का मोस्ट पावरफुल वुमेन है? वो है निर्मला सीतारामन. शी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यस फ्रॉम इंडिया शी गॉट अ फर्स्ट प्लेस मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट. नेक्स्ट, आईपीबीपी एनपीसीए भारत बिल पे लिमिटेड कोलैबोरेटेड फॉर डोरस्टेप बिल पेमेंट सर्विसेस. तो अभी डोरस्टेप बिल पेमेंट सर्विस किन्होंने स्टार्ट करने के लिए सोचा है? आईपीबीपी ने. और आईपीबीपी ने एनपीसीए भारत बिल पे लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है. आईपीबीपी एनपीसीए भारत बिल पे लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया गया है फॉर डोरस्टेप बिल पेमेंट सर्विसेस. सिटी यूनियन बैंक एंड एनपीसीए लॉन्च ऑन दी गो वेयरेबल किचन. ऑन दी गो वेयरेबल किचन सिटी यूनियन बैंक एंड एनपीसीए. तो सिटी यूनियन बैंक इन द कोलैबोरेशन विद एनपीसीए एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर शेषशायी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ रूपे ऑन दी गो कॉन्टैक्टलेस वेयरेबल की चेन फॉर इट्स डेबिट एंड डेबिट कार्ड कस्टमर्स. डेबिट कार्ड कस्टमर्स, तो डेबिट कार्ड कस्टमर्स के लिए ऑन दी गो कॉन्टैक्टलेस वेरेबल किचन शुरू किया है. और दी कॉन्टैक्टलेस वेरेबल किचन विल बी अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ स्टाइल एंड इनेबल कस्टमर्स टू टैप एंड मेक कैशलेस पेमेंट सिक्योरली. तो ये सब जो हो रहा है वो डिजिटलाइजेशन के लिए हो रहा है. अभी इंडिया बहुत ज्यादा डिजिटल इंडिया का जो मूवमेंट था उसमें शामिल हो गए, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर यूजिंग द डिजिटल पेमेंट्स. तो उसका ये एक
परिणाम है कि सिटी यूनियन बैंक और एनपीसी यानी ऑन दी गो वेरिएबल किचन शुरू किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड $350 मिलियन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन इंडिया। तो अर्बन सर्विसेज इन इंडिया इम्प्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $350 मिलियन जो है लोन वो इम्प्रूव किया है। दिस लोन सपोर्ट पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स टू बेनिफिट अर्बन पुअर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप। लो इनकम ग्रुप तो एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो गाइज है मनीला फिलीपींस। और यस मनीला फिलीपींस। पुणे टू होस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पैनेक्स विद द बिमस्टेक कंट्रीज। तो बिमस्टेक कंट्रीज में टोटल 7 कंट्रीज है, तो उसमें है भूटान बांग्लादेश नेपाल म्यांमार श्रीलंका इंडिया एंड थाईलैंड। तो ये 7 कंट्रीज है जो बिमस्टेक कंट्रीज में। तो इनका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हो रहा है, पैनेक्स 21 वो हो रहा है पुणे में। गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड भूटान बांग्लादेश नेपाल म्यांमार श्रीलंका इंडिया थाईलैंड ये जो है बिमस्टेक कंट्रीज है। और मेन एम क्या है ये एक्सरसाइज का, टू बिल्ड रीजनल कोऑपरेशन इन रिस्पॉन्डिंग नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर को कोऑपरेटली कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसके लिए है। बेसिकली द मेन एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू बिल्ड द रीजनल कोऑपरेशन इन रिस्पॉन्डिंग टू नेचुरल डिजास्टर। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर एड्रेस्ड 5th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस इन अबू धाबी। दुबई में हुआ है, सॉरी अबू धाबी में हुआ है ये 5th आईओसी जो है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो एस जयशंकर ने एड्रेस किया है वो आईओसी 5th कहाँ पे हुआ है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस वो हुआ है अबू धाबी यूएई में। और उसका जो थीम था वो है इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 356 किलोमीटर। हाउ मच 356 किलोमीटर, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो 356 किलोमीटर लॉन्ग बिना रिफाइनरी मध्य प्रदेश एंड पॉल टर्मिनल एट पानकी कानपुर उत्तर प्रदेश मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट विथ एन आउटले ऑफ 1524 करोड़। तो एमपी और यूपी 356 किलोमीटर 356 किलोमीटर जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है बिना रिफाइनरी एंड पॉल टर्मिनल के बीच, तो ये इनॉग्रेशन हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एमपी टू यूपी 356 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है वो बिना रिफाइनरी टू पॉल टर्मिनल कानपुर यूपी मध्य प्रदेश तो यूपी। इजिप्त बिकम 4th न्यू मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक। रिसेंटली सितंबर में ऑलरेडी 3 कंट्रीज ज्वाइन हुए थे, उरुग्वे और बांग्लादेश और यूएई। ये 3 जो कंट्रीज है ऑलरेडी they have joined in September, right? September 2021. तो अभी जो नया कंट्री ज्वाइन हो रहा है एनडीबी के लिए वो है इजिप्त। और एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो है शांघाई चाइना, चाइना में होने वाला है। और एनडीबी का जो प्रेसिडेंट है वो है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। और एनडीबी के जो फाउंडर है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स में कितने कंट्रीज है फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट में बताना। और ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज है और यस ये प्लीज मुझे बता देना। तो ब्रिक्स ने शुरू किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसके नए जो अभी 4th मेंबर है वो है इजिप्त। सॉरी,
ITBP Director General Sanjay Arora will held additional charge of another border guarding force, Sashastra Seema Bal, as the latest chief, Kumar Rajesh Chandra, is set to retire on 31st December. तो ITBP के जनरल डायरेक्टर जो है वो है संजय अरोरा. इन्होंने अभी एडिशनल चार्ज लिया है, संजय अरोरा, सशस्त्र सीमा बल के संजय अरोरा. तो पहले कौन थे? कुमार राजेश चंद्र, जो कि अभी रिटायर होने वाले 31 दिसंबर. ITBP जो है वो है इंडियन इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, संजय अरोरा डायरेक्टर जनरल. अनुपम रे बिकम्स इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट इन जिनेवा. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट इन जिनेवा. जिनेवा जो है वो है स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड. तो अनुपम रे बिकम्स द इंडियाज न्यू ब्रांड एम्बेसडर टू यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट इन जिनेवा. Maharashtra Tourism Environment Minister Aditya Thakre has launched Chalo mobile app and smart card for bus travel. Chalo mobile app and smart card for bus travel to facilitate digital and advanced purchase of Brihan Mumbai Electric Supply Transport bus tickets. तो बेस्ट के टिकट जो है वो डिजिटली हमने परचेस कर सके, इसीलिए चलो मोबाइल ऐप एंड स्मार्ट कार्ड जो है वो महाराष्ट्र के जो टूरिज्म एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे, उन्होंने नया ऐप लॉन्च किया, चलो मोबाइल ऐप एंड स्मार्ट कार्ड. वाडा ने रिसेंटली एक रिपोर्ट किया है कि इंडिया जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में थर्ड डोप वायोलेटर. So India among world's top three dope violators country. WADA जो है वो है World Anti-Doping Agency और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है Montreal, Canada. Odisha CM inaugurated Odisha's longest bridge T Setu in Cuttack, Odisha. तो ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, सो ही इज अ सीएम. तो ओडिशा के सीएम जो है नवीन पटनायक, उन्होंने एक इनॉग्रेशन किया लॉन्गेस्ट ब्रिज का टी सेतु करके, कहाँ पे? कटक में. और उसका ओवरऑल कुछ कॉस्ट होने वाला है 111 करोड़ रुपीस. और ये टी सेतु जो ब्रिज है वो कहाँ पे करने वाले है? महानदी रिवर. दोस्तों क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि टी सेतु रिसेंटली एक ब्रिज जो है वो करने वाले हैं, लॉन्गेस्ट ब्रिज ओडिशा का, वो कौन से नदी पे है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो बी प्रिपेयर फॉर बोथ. सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टी सेतु. और इसका नाम जो टी सेतु पड़ा है वो है द ब्रिज इन द शेप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट टी वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 111. तो टी शेप का बनाने जा रहे हैं तो इसीलिए टी सेतु बनाने वाले, टी सेतु नाम रखा है, लॉन्गेस्ट ब्रिज ओडिशा कटक में. विरल देसाई बैग्ड ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड. सो विरल देसाई ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रीन मैन, तो उनको ग्रीन मैन करके भी बुलाते हैं, ग्रीन मैन. तो विरल देसाई जो है वो ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड के विनर है, विरल देसाई. दिव्या हेगड़े वन यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021. दिव्या हेगड़े को जो अवार्ड मिला है वो है यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट. लीडरशिप कमिटमेंट के लिए उनको अवार्ड मिला गया है, किन के तरफ से? यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड के तरफ से. एंड शी बिलोंग्स टू उड़पी कर्नाटका, शी इज फ्रॉम उड़पी कर्नाटका. एंड शी इज अ इंडियन क्लाइमेट एक्शन एंटरप्रेन्योर, इंडियन क्लाइमेट एक्शन एंटरप्रेन्योर. दिव्या हेगड़े. नेक्स्ट, मास्टर कार्ड एंड गूगल पे टाई अप फॉर टोकनाइजेशन फॉर कार्ड बेस्ड पेमेंट्स. तो मास्टर कार्ड और
गूगल पे जीपे ने जो है वो टाइप किया है टोकनाइजेशन फॉर द कार्ड बेस्ड पेमेंट. इट इनेबल दिस टोकनाइजेशन मेथड विच इनेबल्स गूगल पे यूजर्स टू सेफली ट्रांजैक्ट यूजिंग द मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स. NPCI, National Payment Corporation of India, has signed a partnership with the Udemy business. Udemy business के साथ NPCI ने partnership किया है to encourage innovative learning and skill development for employees in NPCI. Next, Vijay Raj and Varun Sharma named as a brand ambassador of Ease My Trip, which is an online travel company based in India. Ease My Trip. So he is Varun Sharma and he is a Vijay Raj. So ये दोनों को अभी brand ambassador किया है Ease My Trip के लिए. P Vasudevan reappointed as a MD and CEO of Equitas Small Finance Bank by the board of director. तो P Vasudevan ही थे Equitas Small Finance Bank के MD and CEO. तो इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है पी वसुदेवन. तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक. और रिसेंटली एक न्यूज बहुत आई थी कि हरभजन सिंह जो है इंडियन क्रिकेटर, ही इज अ स्पिनर, सो ही टुक रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट. नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास हैज bagged first position of ARIA, that is Atal Ranking Institution of Innovation and Achievements, for the third consecutive year. तो ARIA के जो first position मिला है वो है IIT Madras, जो कि third time है consecutively. Atal Ranking of Innovation on Innovation, IIT मद्रास को फर्स्ट पोजीशन मिली है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स आर्या 2021. पंकज अडवाणी वन नेशनल बिलियर्ड टाइटल 2021. पंकज अडवाणी ही इज अ स्नूकर, सो ही इज आल्सो स्पोर्ट्समैन, स्नूकर के प्लेयर है पंकज अडवाणी. BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021, लो किन यू वन मेन सिंगल. सो लो किन यू जो है वो है, ही बिलोंग्स फ्रॉम सिंगापुर, सिंगापुर. तो ये है सिंगापुर के, और इन्होंने हराया था इंडिया के श्रीकांत किदंबी को, इंडिया के श्रीकांत किदंबी को इन्होंने हराया था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में. तो इनको सिल्वर मिला है श्रीकांत किदंबी को. साफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप, तो बांग्लादेश डिफीट इंडिया, बांग्लादेश जीती है. शाहिदा अख्तर रिपा ऑफ बांग्लादेश स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स इन द टूर्नामेंट एंड शी रिसीव मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर. तो साफ अंडर 19 किसने जीता है, बांग्लादेश ने जीता है, और किनको हरा के, इंडिया को हरा के. और BWF फाइनल जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप वो है लो किन यू, उन्होंने जीता है, जो कि सिंगापुर के है, श्रीकांत किदंबी को हरा. अनाहत सिंह, शी बिकम्स फर्स्ट इंडियन गर्ल टू विन जूनियर स्क्वाश ओपन इन यूएस. तो इंडिया की ये पहली लड़की है अनाहत सिंह, जिसको जूनियर स्क्वाश ओपन मिला है यूएस में. अनाहत सिंह, सो शी इज अनाहत सिंह. OP Jindal Global University won Digital Innovation of the Year Award in prestigious Times Higher Education Asia Awards 2021. तो OP Jindal Global University जो है उनको मिला है Digital Innovation of the Year. This is important question Anand Singh वाला. और ये OP Jindal Global University को मिला है Digital Innovation of the Year Award in the prestigious Times Higher Education. Environmentalist Dr. Anil Prakash Joshi, who was conferred upon Padma Bhushan this year, has been named as Mother Teresa Memorial Award for the Social Justice. So Dr. Anil Prakash Joshi, he is an environmentalist,
और उनको पद्म भूषण भी मिला था, और अभी रिसेंटली उनको मिला है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर अनिल जोशी को। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एनवायरमेंटलिस्ट इनको जो है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जिनको पद्म भूषण मिला था उनको अभी रिसेंटली मिला है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एच ओ सूरी को एमडी और सीईओ किए, एमडी एंड सीईओ किए एच ओ सूरी इफको टोक्यो के एच ओ। जापान हैज इंट्रोड्यूस्ड अ मिनी बस लुक लाइक वर्ल्ड फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल, डुअल मोड व्हीकल इन इट्स टाइम ऑफ कयो, इन इट्स टाइम इन इट्स टाउन कयो। तो ये फर्स्ट मिनी बस जापान ने इंट्रोड्यूस किया है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल है। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, करेंसी जो है वो जापानीज एन है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो फुमियो किशिदा है। तमिलनाडु सीएम लॉन्च्ड मिंदम मंजप्पाई स्कीम, मिंदम मंजप्पाई स्कीम टू प्रमोट क्लोथ बैग्स बाय द पब्लिक एंड डिस्करेज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक बैग का यूज जो है वो कम करने के लिए और क्लोथ का जो यूज है वो ज्यादा करने के लिए मिंदम मंजा पाई ये स्कीम तमिलनाडु के सीएम ने लॉन्च किया है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एमके स्टालिन, एमके स्टालिन है। तो रशिया ने रिसेंटली एक आइस ब्रेकर जो है वो लॉन्च किया है। रशिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इन द सीरीज प्रोजेक्ट फोर 2220 वर्साटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर। तो इसकी खासियत क्या है? दिस इज वर्साटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर नोन एज अ सीबीर, नोन एज अ सीबीर। दिस आइस ब्रेकर विल सपोर्ट द ग्रोइंग फ्लीट ऑफ आइस ब्रेकर्स टू कीप द नॉर्थन सी रूट ओपन फॉर ईयर राउंड शिपिंग थ्रू आर्टिक एंड इनेबल अ वाइडर प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन आर्टिक रीजन। सो दिस इज न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर नोन एज अ सीबीर विच इज लॉन्च बाय रशिया। रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और करेंसी जो है वो रूबल है, प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन है। सिबिर डिप्लोमैट विक्रम मिश्री हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरियट। तो हमारे एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए जो है वो है अजीत डोवाल, अजीत डोवाल। तो अभी डीपीटी एनएसए कौन है? डीपीटी एनएसए वो है विक्रम मिश्री। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, विक्रम मिश्री हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर चंद्र प्रकाश गोयल, चंद्र प्रकाश गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर चंद्र प्रकाश गोयल जो है वो अभी अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंडोसिंड बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन फिक्स डिपॉजिट, ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। सो ग्रीन फिक्स डिपॉजिट दिस इज अ फिक्स टर्म डिपॉजिट फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस कैश रिजर्व इन एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, एंड दिस डिपॉजिट्स विल बी ऑफर्ड टू बोथ रिटेल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स। तो जिनके पास सरप्लस कैश है हु वॉन्ट्स टू रिजर्व देयर मनी और कैश इन एनवायरमेंटली एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स तो ग्रीन फिक्स डिपॉजिट। राधिका झा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, राधिका झा जो है वो एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड की सीईओ हुई है राधिका झा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अतुल कुमार गोयल एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक।
तो पंजाब नेशनल बैंक के पहले जो थे वो है मल्लिकार्जुन राव, अभी उनको रिप्लेस किया गया है अतुल कुमार गोयल के पास, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। पेटा अवार्ड इस टाइम मिला है आलिया भट्ट, पेटा अवार्ड। सो पेटा क्या होता है, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया हैज नेम्ड बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट इट्स आलिया भट्ट एज अ पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को मिला है पेटा की तरफ से। एचडीएफसी बैंक वन CIIDX अवार्ड, CIIDX अवार्ड फॉर द मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस, फॉर द मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस। HDFC बैंक हैज बीन नेम्ड अंडर मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस एट द कोवेटेड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CIIDX अवार्ड किसको मिला है एज अ मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021, तो इन HDFC बैंक को मिला। सोमालियन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रोबल हैज बीन सस्पेंडेड, तो इनको लैंड थेफ्ट में करप्शन के हिसाब से इनको अभी जो है सस्पेंड किया गया है, और ये सस्पेंड कौन किया है तो सोमालिया के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाई फरमाजो हैज सस्पेंडेड द पीएम हु इज फेसिंग एलिगेशन ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ इन्वॉल्वमेंट इन द थेफ्ट ऑफ लैंड। सोमालिया की जो कैपिटल है ये इंपॉर्टेंट है गाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट। सोमालिया की जो कैपिटल है वो मोगादिशु है और करेंसी जो है वो सोमाली शिलिंग है, सोमाली शिलिंग है। आईएएस प्रवीण कुमार नेम्ड एज अ डीजी एंड सीईओ ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डीजी एंड सीईओ किसको चुना गया है, आईएएस प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार। सेबी नेम्ड आरती कृष्णन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, सेबी नेम्ड आरती कृष्णन एज अ मेंबर ऑफ म्यूचुअल फंड एडवाइजरी पैनल, तो सेबी ने म्यूचुअल फंड एडवाइजरी पैनल में किसको शामिल किया गया है, आरती कृष्णन, तो ये अभी मेंबर होने वाली है म्यूचुअल फंड एडवाइजरी पैनल की सेबी के। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और सेबी के जो एग्जीक्यूटिव है वो है अजय अजय त्यागी। पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ 11,000 करोड़ इन मंडी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अभी 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं जिसका प्राइमरी कॉस्ट है वो 11,000 करोड़ है। तो ये शुरू किसने किया है, मतलब फाउंडेशन स्टोन किसने डाला है, वो है पीएम मोदी ने। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो है वो है राजेंद्र आर्लेकर, जो रिसेंटली हुए शायद अगस्त में, और हिमाचल प्रदेश के सीएम जो है वो जयराम ठाकुर है, वी ऑल नो दैट जयराम ठाकुर। द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम हैज प्रेडिक्टेड इंडियन इकोनॉमी विल बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बाय 2031, तो 2031 तक इंडिया की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है, ऐसा किसने प्रेडिक्ट किया है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च फ्रॉम यूके। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे ऑन 25th December, तो गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25th December को सेलिब्रेट किया जाता है, और उस दिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 लॉन्च किया गया है इनके द्वारा, अमित शाह। उत्तर प्रदेश हैज क्राउन द विनर्स ऑफ द 11th जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप, सो यूपी ने जीता है 11th जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप, किसको हरा के, चंडीगढ़ को, और ये जो हुआ है गेम वो हुआ है तमिलनाडु में। तो ये जो चैंपियनशिप हुआ है हॉकी चैंपियनशिप वो हुआ है तमिलनाडु में, और ये 11th जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप था जो यूपी ने जीता है किसको हरा के, चंडीगढ़ को हरा के। नीतीश कुमार वन डबल गोल्ड एट 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप विच कंक्लूडेड इन भुवनेश्वर, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था,
भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, और नीतीश कुमार जो बैडमिंटन प्लेयर है उन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं फोर्थ पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में, जो हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इंडियन ओरिजिन जज अपॉइंटेड टू साउथ अफ्रीका हाईएस्ट जुडिशियल बेंच इंडियन ओरिजिन नरेंद्रन जोड़ी कोलप्पन। सो ही इज इंडियन ओरिजिन जज है जो नरेंद्रन जोड़ी कोलप्पन है, जो अभी साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जुडिशियल बेंच के लिए अपॉइंट हुए गए, नरेंद्रन जोड़ी कोलप्पन। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, माइट बी दे विल आस्क इन द एग्जाम। आईएनएस खुखरी डी कमीशन आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द नेशन इन विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में ये जो आईएनएस खुखरी जो है वो डिकमीशन किया गया है आफ्टर 32 ईयर्स। इंडियन स्कायर आंचल ठाकुर विंस ब्रॉन्ज मेडल एट एफआईएस अल्पाइन स्काइंग कंपटीशन इन मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो में जो ये स्काइंग कंपटीशन हुआ था, तो इंडियन स्कायर जो है आंचल ठाकुर उनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट, वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल। वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल स्टार्ट्स इन द मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल शुरू हुआ है। सिडबी ने साइन किया है सिडबी साइंस एमओयू टू डेवलप एमएसएमई इकोसिस्टम इन वेस्ट बंगाल। सिडबी साइंस एमओयू टू डेवलप एमएसएमई इकोसिस्टम इन वेस्ट बंगाल। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट इन वाराणसी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेशन हुआ है, एंड फर्स्ट फेज जो है वो 339 करोड़ का है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट विच कनेक्ट्स टेम्पल टाउन टू टू आइकॉनिक टेम्पल का जो टाउन है विद द टू आइकॉनिक लैंडमार्क काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड गंगा घाट। तो गंगा घाट और काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है उनको कनेक्ट करने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, उसके लिए 339 करोड़ का प्राइमरी कॉस्टिंग है, जो पीएम मोदी ने इनोग्रेशन किया है वाराणसी में। वाराणसी में द कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ। तो ज्ञानपीठ जो है वो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, इज बेस्टॉड ऑन राइटर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर टू होम। तो इस टाइम का जो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है वो है आसामीज पोएट नीलमणि फुकन जूनियर एंड कोकनी नॉवेलिस्ट दामोदर मौजो, ये दोनों को मिला है। आई थिंक ये 56th ज्ञानपीठ अवार्ड है और ये 57th ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो रिसेंटली किनको मिला है, आसामीज पोएट नीलमणि फुकन जूनियर एंड कोकनी नॉवेलिस्ट दामोदर मौजो। हु वन डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट। रशिया डिफिटेड क्रोएशिया। रशिया डिफिटेड क्रोएशिया। तो रशिया ने क्रोएशिया को हरा के ये जो है डेविस कप जीता है, जो कि टेनिस टूर्नामेंट है। टेनिस टूर्नामेंट है। एडीबी अप्रूव्स 112 मिलियन लोन टू एस्टेब्लिश आसाम स्किल यूनिवर्सिटी टू स्ट्रेंथन स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसाम स्किल यूनिवर्सिटी। तो आसाम स्किल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 112 मिलियन डॉलर्स का लोन अप्रूव किया है टू स्ट्रेंथन द स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसाम स्किल यूनिवर्सिटी। तो एडीबी की जो हेडक्वार्टर है वो मैंने बता दी हूँ, फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि एडीबी की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। विच कंट्री टॉप्ड एशियन पावर इंडेक्स 2021? द यूनाइटेड स्टेट्स।
एशियन पावर इंडेक्स कौन टॉप किया है? वो है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स। एशियन पावर इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। इन द रिसेंटली रिलीज्ड इंडेक्स 2021, द यूएस रैंक्ड एट द टॉप स्पॉट एंड द इंडेक्स विच रैंक्स 26 नेशंस एंड टेरिटरीज इन एशिया रैंक्स इंडिया एज द फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो ऑल ओवर एशिया में इंडिया ने फोर्थ स्पॉट जो है वो लिया है एज अ मोस्ट पावरफुल कंट्री, और ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएस। एंड दिस द मोस्ट पावरफुल कंट्री, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल मेजर्स ऑफ पावर सच एज इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, रेजिलेंस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। Which city has become the world's first government to turn completely paperless? So, which country becomes the first government, world's first government to turn completely paperless? So, answer is Dubai. Dubai. Dubai has become the world's first government to turn completely paperless, and the Emirates Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed बिन राशिद अल मक्तोम। तो दुबई जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट गवर्नमेंट है जो कंप्लीटली पेपरलेस हुई है। द नूपीलाल डे ऑब्जर्व एवरी ईयर इन विच स्टेट? सो आंसर इज मणिपुर। नूपीलाल डे विच इज ऑब्जर्व ऑन 12th of December। द नूपीलाल डे इज ऑब्जर्व टू पे रिच होमेज टू ब्रेव वुमेन ऑफ मणिपुर हु फॉट फॉर द जस्टिस अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। नूपीलाल डे। विच कंट्री होस्टेड 8th इंडियन ओशियन डायलॉग रिसेंटली? 8th इंडियन ओशियन डायलॉग रिसेंटली। सो इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री अलोंग विद द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स होस्टेड 8th इंडियन ओशियन डायलॉग। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, 5th आईओसी जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वो हुआ है अबू धाबी में, जिसको एड्रेस किया है एस जयशंकर ने, और ये जो है क्वेश्चन वो है 8th इंडियन ओशन डायलॉग जो रिसेंटली कौन से कंट्री ने होस्ट किया? तो इंडिया ने होस्ट किया है। दिस इज 8th इंडियन ओशन डायलॉग। ओके सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दिस टू। That is IOC, 5th IOC, and this is 8th Indian Ocean Dialogue. Who won Global Entrepreneur of the Year from the Indus Entrepreneur के द्वारा Global Entrepreneur of the Year किसको दिया गया है? वो है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला। आदित्य बिरला के, आदित्य बिरला ग्रुप के ये चेयरमैन है, आदित्य बिरला ग्रुप के ये चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। ही गॉट दिस अवार्ड फॉर हिज लीडरशिप ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक। उत्तराखंड एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज अ इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एन एरिया ऑफ 454 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड द बाउंड्री ऑफ एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज बीन नेम्ड एज एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन। Paytm launches EdTech platform Paytm Wealth Academy as a tech powered educational platform. तो ये एक educational platform है Paytm Wealth Academy जो कि Paytm ने। Army Chief Naravne
M.M. Naravane takes charge as a chairman of a chiefs of a staff committee. Chiefs of a staff committee. So आर्मी के चीफ जनरल जो है वो M.M. Naravane है, उन्होंने अभी टेक्स चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ अ चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमिटी. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. सेवन टाइम चैंपियन लुइस हैमिल्टन रिसीव्स नाइटहुड एट विंडसर कैसल लंडन. विंडसर कैसल लंडन. Bhutan confers PM Modi with its highest civilian award, Gadakpelgi Khorlo. This is also important. Nizamuddin Basti, which is in Delhi, so Nizamuddin Basti Delhi project wins two UNESCO Heritage Awards mila hai Nizamuddin Basti ko for cultural heritage. Conservation of 2021. Chiefs of a Staff Committee, M.M. Naravane. The Sport Journalist Federation of India has decided to honor former Indian cricketer and cricket commentator Sunil Manohar Gavaskar with its prestigious SJFI medal at SJFI annual general meeting in Guwahati, Assam. SJFI journalist, Sports Journalist Federation of India, इन्होंने decide किया है कि सुनील गावस्कर को एक prestigious award SJFI medal 2021 से घोषित किया गया है. कहाँ पे? गुवाहाटी, आसाम. Simone Biles named Time Magazine 2021 Athlete of the Year. Important question. Simone Biles. Sport Minister Anurag Thakur inaugurates Khelo India Women's Hockey League Major Dhyanchand National Stadium in New Delhi. तो स्पोर्ट मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर जी है, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग. तो वुमेन्स हॉकी लीग शुरू होने वाला है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली. तो फ्रेंड्स, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है ये रिसेंटली नाम चेंज हुआ है, तो पहले इसका नाम क्या था. झारखंड सीएम लॉन्च सहाय स्कीम फॉर द मोस्ट हिट एरियाज. तो झारखंड सीएम जो है वो है हेमंत सोरेन. तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है सहाय, जो जिसका लॉन्ग फॉर्म है, एक्रोनियम है, वो है स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ. गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सहाय का जो फुल फॉर्म है वो पूरा का पूरा दे सकते हैं, लेकिन एक वर्ड मिसिंग हो सकता है. सो आपको जाना रहता है कि वो वर्ड कौन सा है. तो दिस इज ऑल्सो बेसिकली इम्पोर्टेंट. आई फील इट इज इम्पोर्टेंट कि सहाय स्कीम में क्या है. तो सहाय स्कीम जो है वो है स्पोर्ट एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ द यूथ एम्ड एट नर्चरिंग यंग स्पोर्टिंग टैलेंट्स इन द मोस्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट. नेक्स्ट, आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन कुमार मंगलम रिसीव्स ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड बाय इंडस एंटरप्रेन्योर. तो ये हमने ऑलरेडी किया है. माल्टा बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू अप्रूव कैनबिस फॉर पर्सनल यूज. माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है, तो इन्होंने सो दिस इज द फर्स्ट कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड टू अलाउ लिमिटेड कल्टिवेशन एंड पोजिशन ऑफ कैनबिस फॉर द पर्सनल यूज following a vote in parliament. The Royal Institute of British Architect has announced that Indian architect Balkrishna Doshi will be recipient of 2022 Royal Gold Medal.
सो दिस इज इम्पोर्टेंट गाइज. ये एक रीबा ने अनाउंस किया है कि इंडियन आर्किटेक्ट जो है बालकृष्ण दोषी, उनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के रेसिपेंट है. रीबा जो है वो है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट. पेटीएम पेमेंट बैंक हैज बीन गिवन शेड्यूल बैंक स्टेटस बाय आरबीआई. तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को सेकेंड शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया है. डीबीएस बैंक इंडिया क्लिंचेस टू अवार्ड्स एट ईटी बीएफएसआई एक्सेलेंस अवार्ड्स. तो डीबीएस बैंक को टू अवार्ड्स मिले हैं ईटी बीएफएसआई एक्सेलेंस अवार्ड 2021. डीबीएस बैंक इंडिया परसिस्टेंट एफर्ट्स टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इट्स कस्टमर हैव बीन अवार्डेड एट ईटी बीएफएसआई एक्सेलेंस अवार्ड 2021. तो किसको मिला है ईटी बीएफएसआई एक्सेलेंस अवार्ड, वो मिला है डीबीएस बैंक को. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर पब्लिश्ड वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट. तो फर्स्ट कंट्री है वो है स्विट्जरलैंड, और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में फर्स्ट जो है वो स्विट्जरलैंड है, सेकेंड जो है वो स्वीडन है. गाइज वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का कौन सा रैंक है वो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना. तो फर्स्ट जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में वो है स्विट्जरलैंड, सेकेंड वन जो है वो स्वीडन है. तो नेक्स्ट, नॉर्वेज मैग्नस कार्लसन विंस एफआईडी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप. तो मैग्नस कार्लसन जो है वो चेस प्लेयर है, नॉर्वे के है, उनको वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइट विन किए हैं. सेंचर ग्रांट्स जीआई टैग टू बिहार मिथिला मखाना. मखाना जो होता है वो लोटस लोटस फ्लावर की सीड रहते हैं, जिसको हमने मखाना करके बोलते हैं. तो उसको एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, सेंटर ने ग्रांट किया है. पीएम मोदी इनॉग्रेटेड सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट. सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट इन बलरामपुर यूपी, बलरामपुर यूपी सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन टू ओवर 14 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड एंड बेनिफिट अबाउट 29 लाख फार्मर्स मेनली इन ईस्टर्न यूपी. तो पीएम मोदी ने एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन किया है, सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट, वो भी कहाँ पे, बलरामपुर यूपी में. तो इससे 29 लाख फार्मर को फायदा होने वाला है, मेनली इन ईस्टर्न यूपी. काजू वेली वेटलैंड डिक्लेयर 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु. तो तमिलनाडु का जो 16th बर्ड सेंचुरी जो है वो काजू वेली वेटलैंड है, जो कि सुप्रिया साहू एनवायरमेंट फॉरेस्ट सेक्रेटरी ने डिक्लेयर किया है. सुप्रिया साहू एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्रेटरी, 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु काजू वेली. गाइज तमिलनाडु ने रिसेंटली उनका एक स्टेट एंथम रिलीज किया है. सो लेट मी नो द स्टेट एंथम इन कमेंट बॉक्स. इंडियन ओरिजिन अनिल मेनन इज अ स्पेस एक्स फर्स्ट फ्लाइट सर्जन. तो इंडियन ओरिजिन है अनिल मेनन, ही इज अ फर्स्ट फ्लाइट सर्जन स्पेस एक्स के. तो ही वॉज अ स्पेस एक्स फर्स्ट फ्लाइट सर्जन हेल्पिंग टू लॉन्च कंपनीज फर्स्ट ह्यूमन्स टू द स्पेस ड्यूरिंग नासा स्पेस एक्स डेमो मिशन एंड बिल्डिंग मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द ह्यूमन सिस्टम ड्यूरिंग द फ्यूचर मिशन. उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी लॉन्च्ड मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम. मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम, दिस स्कीम इज एम टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स बेनिफिटिंग 53,000 पीपल ऑफ उत्तराखंड. तो मोर 53,000 पीपल को बेनिफिट होने के लिए ये मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम जो है वो पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया है, जो कि उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी. नेक्स्ट, द 9th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय वी बॉक्स. वी बॉक्स 9th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया गया है वी बॉक्स से. महाराष्ट्र रिटेन फर्स्ट पोजीशन. तो महाराष्ट्र जो है
वो फर्स्ट पोजीशन में आई है, आईएसआर इंडियन स्किल रिपोर्ट। तो इसकी थीम जो है वो है रीबिल्डिंग रीबिल्डिंग एंड री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ अ वर्क, रीबिल्डिंग एंड री इंजीनियरिंग द फ्यूचर वर्क। तो फर्स्ट कौन है? महाराष्ट्र। Under whose chairmanship the Ministry of Social Justice Empowerment has constituted a three-member committee to review criteria economically weaker section? Guys, this is very important question. So economically weaker section जो है reservation के लिए, उनके लिए एक three-member committee तैयार की गई है, जो कि कहाँ से? Social Justice Empowerment Ministry जो है वहाँ से। तो उसको जो lead कर रहे हैं वो है अजय भूषण पांडे, अजय भूषण पांडे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का जो कमिटी है उनको हेड करेंगे। विथ विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज साइंड एन एमओयू टू सेल प्रोडक्ट्स मेड बाय मिलियंस ऑफ आर्टिसंस अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो उसका जवाब है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है टू सेल प्रोडक्ट्स। द यूनियन हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन टू जून 2023। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो था वो अभी एक्सटेंड किया गया है जून 2023 तक। अकॉर्डिंग टू एन अर्लियर डेडलाइन द सिटीज वर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स विद इन 5 years ऑफ बीइंग सिलेक्टेड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। द ऑफिशियल सेड ऑल 100 स्मार्ट सिटीज सिलेक्टेड अंडर द मिशन विल नाउ हैव टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स बाय जून 2023। Prime Minister Narendra Modi inaugurates Infinity Forum, which was hosted by International Financial Services Center Authority under the Government of India. So PM Modi ने Infinity Forum inaugurate किया है, जो कि host किया गया है International Financial Services Center Authority under the Government of. First ever अहरबाल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इंपॉर्टेंट गाइज, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम अहरबाल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई विच स्टेट बिकम्स कंट्रीज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब? तो उसका आंसर है गुजरात। तो पहले महाराष्ट्र था, अभी गुजरात है। तो गुजरात फर्स्ट पे है, सेकंड महाराष्ट्र पे है मैन्युफैक्चर एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। नीति आयोग लॉन्च्ड ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिएशन विद CESLWRI इंडिया। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू शेयर नॉलेज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी ट्रांजिट सर्विस प्रोवाइडर्स original equipment manufacturers and accelerating the process towards seamless adoption of e-commerce services, e-bus services in India. तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया है ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिएशन विद द CESL एंड WRI इंडिया। तो इसका सही जवाब है वो है नीति आयोग, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। हैदरपुर वेटलैंड इन यूपी रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज 47th रामसर साइट। तो 47th रामसर साइट में हैदरपुर वेटलैंड यूपी को रिकॉग्नाइज किया गया है। दिल्ली पुलिस लॉन्च्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति टू स्किल स्कूल ड्रॉपआउट्स। तो जो स्कूल ड्रॉपआउट्स है उनके लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है, उसका नाम है उन्नति।
First drone mela in the country was organized at a Gwalior, Madhya Pradesh. Very important question, guys. This is. तो फर्स्ट ड्रोन मेला जो है वो कंट्री में कहाँ पे हुआ है? ग्वालियर में, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश में. आई एम सॉरी, ग्वालियर मध्य प्रदेश. विच वॉज ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड फिक्सी. गवर्नमेंट लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अहमदाबाद, गुजरात. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो गवर्नमेंट लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अहमदाबाद, गुजरात. ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इंडिया रैंक्स 66th पोजिशन. ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में अमेरिका फर्स्ट है, यूएसए, और इंडिया की पोजिशन है वो है 66. यूएसए को फॉलो करते हैं ऑस्ट्रेलिया और. This is already done. Fifth IOC S. Jayshankar ने एड्रेस किया था अबू धाबी में, और उसका जो थीम है इंडियन ओशन इकोनॉमी, इकोलॉजी, इकोनॉमी, एपिडेमिक. अकॉर्डिंग टू 2021 वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, विच सिटी हैज रैंक्ड एज अ वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी? तो इसका आंसर है तेल अवीव, इजराइल. सो तेल अवीव इसराइल की कैपिटल है, इसराइल की कैपिटल है. सो इसराइल में तेल अवीव जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विच वॉज रिलीज बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. एंड लीस्ट एक्सपेंसिव जो है वो है डेमेस्कस, डेमेस्कस, डेमेस्कस कहाँ पे है? वो सीरिया में. डेमेस्कस कहाँ है? सीरिया में. विच इज लीस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव? तेल अवीव, इजराइल. इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी विल बी बिल्ट? साउथ कोरिया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी कहाँ पे होने वाली है? साउथ कोरिया में. कुलदीप हांडो अपॉइंटेड एज अ फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर. फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर किसको चुना गया है? कुलदीप हांडो. एचसीएल रोशनी नादर, एचसीएल रोशनी नादर टॉप्स कोटक वेल्थ हुरुन वेल्दी वुमेन लिस्ट, वेल्दी वुमेन लिस्ट. एचसीएल के रोशनी नादर, एचसीएल के रोशनी नादर कोटक वेल्थ हुरुन वेल्दी वुमेन. हु हैज वन द प्रेस्टिजियस एनआईएफ बुक प्राइज फॉर हिज बुक नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, अ बायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? दादाभाई नौरोजी. तो ये है दीनयार पटेल. दीनयार पटेल को प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है उनके बुक के लिए. जो उनका बुक है वो है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. तो दादाभाई नौरोजी के ऊपर ये बुक लिखी गई है दीनयार पटेल के द्वारा, और इनको अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस अवार्ड एनआईएफ बुक प्राइज. फॉर्मर एथलेट अंजू बॉबी जॉर्ज विंस वुमेन ईयर ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर वर्ल्ड एथलेटिक्स. वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया. She is from India. Next, who has won the men's Ballon d'Or for the record 7th time? तो 7th time men's Ballon d'Or award किसको मिला है? वो है Lionel Messi. Lionel Messi जो कि अर्जेंटीना के, और बार्सिलोना की अलेक्सिया पुटलास, अलेक्सिया पुटलास जिन्होंने वुमेन Ballon d'Or जीता बार्सिलोना की. ये Ballon d'Or अवार्ड जो हुए वो पेरिस में हुए. रूपेश गोयल, रूपेश गोयल वन यंग जियोस्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड. सो रूपेश गोयल जो है वो आईआईटी कोलकाता के हैं. सो ही इज फ्रॉम आईआईटी कोलकाता के हैं.
सो उनको मिला है अवार्ड, रुपेश गोयल को यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड. नीना गुप्ता हु शी रिसीव्स 2021 डीएसटी आईसीटीपी आईएमयू रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन. सो नीना गुप्ता शी इज अ मैथमेटिशियन और उसको अवार्ड मिला है रामानुजन अवार्ड. शी बिलोंग्स टू कोलकाता. India's Harna Sandhu named as a winner of Miss Universe. Guys, this is important question as SBI PO mains में ये question पूछा गया था कि किसको Miss Universe मिला था. तो इसका सही जवाब है Harna Sandhu. और ये Miss Universe award India को मिला है after 21 years. इससे पहले 2000 में लारा दत्ता को मिला था और 1994 में सुष्मिता सेन को मिला था Miss Universe का title. Elon Musk named as Time Magazine Person of the Year Award. Time Magazine के लिए Person of the Year किसको मिला है? Elon Musk. Elon Musk. World Chess Championship 2021. Magnus Carlsen won the fifth title. तो Magnus Carlsen Norway के chess player है. He is from Norway and he is a chess player. Max Verstappen won 2021 Formula 1 Drivers' Championship by winning Abu Dhabi Grand Prix. तो December 2021 में दो Grand Prix हुए थे. एक तो सऊदी अरेबिया में हुआ था, जो सऊदी अरेबिया Grand Prix हुआ था वो first time हुआ था जिनको जीता था Lewis Hamilton ने. और second one जो हुआ था Abu Dhabi Grand Prix जिसको जीता है Max Verstappen ने. US announced diplomatic boycott for Beijing Winter Olympics. Canada will also join the US, UK, Australia for diplomatic boycott of Beijing Winter Olympics over the human rights concern. Next. Ujjivan Small Finance Bank named as Ittira Davis as a MD and CEO. This is important, guys. Ujjivan Small Finance ke MD or CEO kaun hai? Ittira Davis. Ittira डेविस. सो उन्होंने अभी 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है उनको. एशले बार्टी वन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एज एट WTA अवार्ड 2021. एशले बार्टी. DRDO टेस्ट फायर्ड एयर वर्जन ऑफ ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. India successfully test-fired a version of BrahMos supersonic cruise missile from the integrated test range of Chandipur off the coast of Odisha. So recently BrahMos missile ke liye ek manufacturing unit banaya gaya hai jo ki Lucknow mein banaya gaya hai. To Lucknow mein banaya gaya hai, yes. Aur ye jo missile hai wo kisne test fire kiya hai wo hai DRDO ne. और चाइना लॉन्चेस शीजन 605 सैटेलाइट्स फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन. हु हैज वन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एजुकेशन एक्लेट 2021 ईडन प्राइज फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर हर वर्क टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ईडन प्राइज जो है वो एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए होता है. वो हाईएस्ट वो अवार्ड किसको मिला है? वो है रुक्मिणी बैनर्जी. सो इनको मिला है फॉर हर वर्क इन इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स. रुक्मिणी बैनर्जी ईदान प्राइज. और गाइस दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. SBIPO में मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था. अजीत प्रेमजी रिसीव्स 10th डॉक्टर ईडा एस कडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन अवार्ड. अजीम प्रेमजी हु इज अ फाउंडर ऑफ अ इको sorry who is the founder of Wipro. Who has won 2021 BWF World Tour mains final held in Bali, Indonesia? Victor Axelsen. BWF World Tour mains final Bali, Indonesia mein hua tha. Wo kinko mila hai? Victor Axelsen. और गर्ल्स में वुमेन्स में साउथ कोरिया के एन सियोंग को BWF वर्ल्ड टूर्स फाइनल्स इन वुमेन कैटेगरी बाय डिफीटिंग पीवी
सिंधु, तो इंडिया की जो पीवी सिंधु है उनको हरा के साउथ कोरिया की एन सियोंग जो है उनको बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स मिला था, और मेंस में विक्टर एक्सेलसन। विच कंट्री हैज वन एशियन टीम स्क्वाश चैंपियनशिप इन 2021 हेल्ड इन क्वालालंपुर? मलेशिया। तो मलेशिया ने इंडिया को हराया था, मलेशिया डिफिटेड इंडिया बाय 2-1। तो एशियन टीम स्क्वाश चैंपियनशिप किसको मिली है? हमने अभी देखा था ये बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर वुमेन्स जो फाइनल हुआ था बाली इंडोनेशिया में, वो किनको मिला है? एन सियोंग, शी इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एन सियोंग शी इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड शी डिफिटेड पीवी सिंधु। विच कंट्री वन डेविस कप टाइटल? डेविस कप विच इज टेनिस टूर्नामेंट, सो ये टेनिस टूर्नामेंट है जो रशिया ने जीता है क्रोएशिया को हरा कर। फिक्सी अनाउंस्ड संजीव मेहता एज अ प्रेसिडेंट, तो फिक्सी के नए प्रेसिडेंट कौन है? संजीव मेहता। फिक्सी के नए जो प्रेसिडेंट है वो है संजीव मेहता। संजीव मेहता। हु वन इनॉग्रल सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स? रीमा जुफाली। तो मैंने अभी बताया था कि सऊदी अरेबिया में फर्स्ट टाइम ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, तो फर्स्ट एडिशन की एम्बेसडर कौन थे? रीमा जुफाली। शी इज द फर्स्ट फीमेल फॉर्मूला वन ड्राइवर ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के फर्स्ट फॉर्मूला वन ड्राइवर है जो कि फीमेल है, सो रीमा जुफाली इज एम्बेसडर। IDFC बैंक डेब्यूट्स इंडिया फर्स्ट स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो कौन से बैंक ने फर्स्ट मेटल डेबिट कार्ड शुरू किया है? वो है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट टाइम मेटल डेबिट कार्ड शुरू किया है। तेलंगाना टॉप्ड एट अ श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मालदीव और इंडिया में हुआ है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इकोवेरिन इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड मिलिट्री फोर्सेस ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स, इकोवेरिन। विच डिजिटल पेमेंट मेजर हैज लॉन्च अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफ हेल्थ एट 999? हेल्थ एट 999 फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस बायर्स, फोन पे। तो फोन पे ने लॉन्च किया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हेल्थ एट 999। विच बैंक लॉन्च फीचर रिच सेविंग बैंक प्रोडक्ट कॉल्ड महिला मित्र प्लस फॉर वुमेन? तो कौन से बैंक ने रिच सेविंग बैंक प्रोडक्ट शुरू किया है? महिला मित्र प्लस। महिला मित्र प्लस, तो फेडरल बैंक ने, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेडरल बैंक ने महिला मित्र प्लस ये जो रिच सेविंग बैंक प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा। विच डिजिटल इकोसिस्टम फॉर द कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट हैज पार्टनर्ड विद द अमेज़न वेब सर्विसेज टू ऑफर इट्स स्टार्टअप टूलकिट ऑनबोर्ड्स, टूलकिट टू स्टार्टअप्स ऑनबोर्डेड ऑन AWS एक्टिवेट? तो इसका सही जवाब है पेटीएम। पेटीएम ने लॉन्च किया है। तो महिला मित्र प्लस फेडरल बैंक ने शुरू किया है। इकोवेरिन इंडियन और मालदीव्स के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और फोन पे ने फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया है हेल्थ। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स गाइस। बुक्स के लिए आपने स्क्रीनशॉट लिया तो भी बस है, आपने ये बाय हार्ट कर सकते हो, तो मैं जस्ट बताऊंगी। पब्लिक सर्विस इथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, प्रभात कुमार। ये बुक किसने लिखी है? प्रभात कुमार। पब्लिक सर्विस इथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, प्रभात कुमार। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड फॉर्म, गौतम चिंतामणि। गौतम चिंतामणि। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947,
Indian Innings, The Journey of Indian Cricket 1947. इसका मैं एक ये दे सकती हूँ हिंट गाइस, द मिडवे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर, सेकेंड टर्म. तो गौतम को बड़ी चिंता लगी थी बैटल की, तो गौतम को बड़ी चिंता लगी थी बैटल की, ऐसा आप दिमाग. मैं तो जस्ट ऐसे ही हिंट बता रही हूँ गाइस, इफ यू लाइक इट यू जस्ट टेक इट, अदरवाइज आपने आपके आपके कैसा प्रिपरेशन का ये है तो आप वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. मोस्टली मैंने बहुत सारे मेंस वगैरह दिए हूँ तो मैंने मोस्टली ऐसे ही करती थी, मैं थोड़ा सा हिंट लेके मैं उसको याद रखने का कोशिश करती थी, तो मैं वैसा बता रही हूँ आपको. द मिडवे बैटल, गौतम को बड़ी चिंता लगी थी बैटल की, मोदी के बैटल की. और इसका पब्लिक सर्विस एथिक्स, अनैतिक भारत. ओके, इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, अयाज मेनन, डॉक्टर वी एल दत्त, द ग्लिम्स ऑफ पायनियर्स ऑफ लाइफ जर्नी. तो इसके ऑथर है वी एल इंदिरा दत्त, और ये बुक लॉन्च की गई है, वेंकैया नायडू, उन्होंने लॉन्च की. द मोदी गैम्बिट, डिकोडिंग मोदी 2.0, संजू वर्मा. बैचलर डैड तुषार कपूर, दिस इज वेरी इजीएस्ट, बैचलर डैड तुषार कपूर, ही इज अ बॉलीवुड एक्टर. रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ MEITY, एस एस ओबरे ने लिखी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री. तो रिवाइंडिंग 25 ईयर्स ऑफ MEITY SS Oberoi. बालकृष्ण मधुर ऑटोबायोग्राफी, एट होम इन द यूनिवर्स. बालकृष्ण मधुर, एट होम इन द यूनिवर्स. वॉटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वॉटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, मृदुला रमेश. प्राइड प्रीजुडिस एंड पुडेंट्री, ऑथर्ड बाय डॉक्टर शशि थरूर. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट ऑब्चुरीज. तो गाइज, सिरी वेनेरा सीतारामा शास्त्री विचर एंड लिरिसिस्ट, सो ही वॉज अ लिरिसिस्ट, इन विच लैंग्वेज, तेलुगु. तो तेलुगु लैंग्वेज के ये एक लिरिसिस्ट थे, सिरी वेनेला सीताराम शास्त्री. राफेल जॉनसन, अमेरिकन डेकेथलेट एंड फिल्म एक्टर. तो रेफर जॉनसन जो थे वो फर्स्ट एथलेट थे, उसके बाद एक्टर हुए हैं, तो एथलेट टर्न एज अ फिल्म एक्टर. विनोद दुआ, ही इज अ जर्नलिस्ट. Dua was a pioneer in broadcast Hindi journalism with the stunts in Doordarshan and NDTV. Sharda Menon, she was a psychiatrist. Sharda Menon. Friends, आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो. World's oldest test cricketer Elin Ash passed away. तो ये पास आउट हुए हैं. सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव पास्ट अवे. तो सीरम इंस्टीट्यूट ने कौन सा वैक्सीन रिलीज किया है दोस्तों, प्लीज कमेंट मी इन द बॉक्स. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट सुरेश जाधव पास्ट अवे. पद्मश्री अवार्डी नंदा किशोर पृष्टि, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. तो ये पद्मश्री अवार्ड जो थे वो नंद किशोर पृष्टि, वो भी पास अवे हुए हैं. और मुझे ये भी बताओ गाइज, ये नंद किशोर पृष्टि कौन थे. सो महेंद्र प्रसाद, ही इज अ पॉलिटिशियन. महेंद्र प्रसाद, 7 time राज्यसभा एमपी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र प्रसाद पास्ट अवे. Former Greek President Korolas Populas passed away. E. O. Wilson, known as the father of biodiversity, passes away. E. O. Wilson, father of
biodiversity passes away. Former Greek president Karolos Papalos and politician Mahindra Prasad. He-Man and toy designer Mark Taylor passes away. Mark Taylor passes away. Mark Taylor passes away. Former England Test captain Ray Illingworth passes away. Malayalam film director K. S. Sethumadhavan dies at 90 in Chennai. K. S. Former Supreme Court Judge Justice G. T. Nanavati, who headed 2002 Godhra riots, passes away. So he was advocate justice. सुप्रीम कोर्ट के जज थे जी टी ननावती. फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर आर एल जलप्पा, सो ही इज फ्रॉम बेंगलोर और ये टेक्सटाइल मिनिस्टर थे और वो अभी रिसेंटली गुजर गए हैं बेंगलोर में. आर एल जलप्पा. अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है गाइज, टेक अ स्क्रीनशॉट. सो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे विच इज सेलिब्रेटेड observed on 5th of December. 5th of December International Volunteer Day. Uski jo theme hai wo hai volunteer now for the common future. World AIDS Day, which is observed on 1st of December. 1st of December. Aur uski theme jo hai wo hai end inequalities, end AIDS and end pandemics. World Soil Day, which is observed on 5th of December. World Soil Day, which is observed on 5th of December. This is observed every year to raise awareness for the importance of the soil quality for human well-being and food security ecosystem. International Day for Abolition of Slavery, which is annually observed on 2nd December. International Civil Aviation Day, which is celebrated on 7th of December. National Armed Forces Day, also known as National Flag Day of India, is also celebrated on 7th of December. Where was the 22nd Dhanesh Bird Festival, known as a festival of festivals? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को धनेश बर्ड फेस्टिवल भी बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं. और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? नागालैंड में. तो नागालैंड में करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, धनेश बर्ड फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स. 9th of December, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे. यू आर राइट योर रोल से नो टू करप्शन. Theme 8th of December. South Asian Association for Regional Cooperation Charter Day. So SAARC Charter Day 8th of December. Friends, screenshot लीजिए please इसका. 10th of December International Human Rights Day. उसकी theme है equality, reducing inequalities, advancing human rights. This is very important. International Human Rights Day कौन से दिन celebrate किया जाता है? 10th of December को. Equality, reducing inequality, advancing human rights. 11th of December UNICEF Day. To help children to recover from interruption and learning losses experienced through pandemic in the last 2 years. 11th of December International Mountain Day. International Mountain Day. थीम क्या है? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म. 14th ऑफ डिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे. 15th ऑफ डिसंबर इंटरनेशनल टी डे. इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th ऑफ डिसंबर. तो इंडियन नेवी डे जो है वो 4th ऑफ डिसंबर को है, जिसकी थीम है इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव. International Migrants Day, 18th of December. World Arabic Language Day, 18th of December. Indian National Farmer Day, 23rd of December. National Consumer Rights Day, Human Rights Day, National
वो है 10th of December, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो 24th of December है, गुड गवर्नेंस डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25th, ये बर्थ एनिवर्सरी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उनके लिए ये गुड गवर्नेंस डे शुरू किया गया है। तो गाइज हमने करंट अफेयर्स में एक ये देखा था कि गुड गवर्नेंस डे पे अमित शाह ने कुछ लॉन्च किया है या किसी चीज की शुरुआत हुई है, वो क्या है वो मुझे बता देना, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है वो। तो गुड गवर्नेंस डे पे अमित शाह ने क्या शुरू किया है प्लीज कमेंट मी इन द बॉक्स। सो दिस मच फ्रॉम द डिसम्बर, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो, सॉरी सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सपोर्ट मी गाइज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बी बैंक एस्पिरेंट BBA। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।